गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे आज। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं उसकी रीडिंग कर रहा हूँ एक बार। द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लावर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड इन अर्निंग ओम रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड हिट पे। देखो, किसी फ्लाई ओवर के इस तरह से, फ्लाई ओवर के यहाँ पर एक वॉल बनी हुई है। इस वॉल को आपको रेंट के लिए देना है। तो इस रेंट के लिए इसकी साइड गिवन है 122, 122, 22 और 120। इस तरह से तीन साइड गिवन है और इसकी कॉस्ट दे रखी है 5000 पर ईयर पर मीटर स्क्वायर, और इसको थ्री मंथ के लिए देना है। तो कितना रेंट लगेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो इधर इसके थ्री साइड गिवन है, इसको हम सोल्व करते हैं। ए 120 ले लेते हैं, बी थ्री साइड कौन कौन से, 120 20, और सी ले लेते हैं 120। पहले हम एस निकालेंगे, सेमी पैरामीटर, यानी कि एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस की वैल्यू 122 22 120, तीनों को प्लस करें हम, कितना आएगा 4 2 और 4 6 2 और 2 4 4 2 6 और 264, यानी कि 132 सेंटीमीटर बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है 132, 132, ए की वैल्यू है 122, 132 बी की वैल्यू 22 ली है हमने, और 132 माइनस का 120, 132 में से 22 को माइनस करें कितना आएगा 10, इधर 110, इधर 12। अब आपको इन सब के फैक्टर करने हैं। 132 के फैक्टर कर सकते हैं हम इस तरह से, आता ही है सबको करना, 2 2 3 11। 10 के फैक्टर डायरेक्ट कर सकते हैं 2 into 5 100 के 2 into 5 into 11। 12 के आपको याद है इसे डायरेक्ट। तो जिसका पेयर बनेगा, यानी कि जो इवन में होगा वो बाहर आ जाएगा। यहाँ 2, ये 2 का एक पेयर कंप्लीट, ये थर्ड पेयर कंप्लीट, इसके अलावा 3 का भी पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है और 11 का पेयर बन रहा है। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 को 5 से इंटू करेंगे 120, और 120 को हम अगर 11 से मल्टीप्लाई करें 0213 मीटर स्क्वायर, यानी कि वो ट्राइंगल शेप में जो वॉल है उसका एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। अब उसने रेंट का कोश क्या दे रखा है, देखो रेंट ऑफ वन मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल फॉर 1 ईयर कितना है 5000। तो अगर हम रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर 1 मंथ की बात करें, 1 ईयर का है ये रेंट 5000, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 1 मंथ के लिए बात करेंगे तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, और हमें कितने की बात करनी है 1320 मीटर स्क्वायर, और कितने मंथ के लिए बात करनी है 3 मंथ के लिए,
तो ज़्यादा के लिए हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5000 थ्री मंथ के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ये पर मीटर स्क्वायर था, हम बात कर रहे हैं 1320 मीटर स्क्वायर। 12 से कैंसिल हो गया ये 110, और अब इसको मल्टीप्लाई कर दे 165, 5 3 15, 15 को 11 से इंटू करेंगे 165, 1 2 3 4, तो इस तरह से इतनी रेंट लगेगा इसका 16540। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसके सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओनली हीरोन फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डायरेक्ट हीरोन फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, एक पार्क है जिस स्लाइड वन ऑफ इट साइड वॉल हैज बीन पेंट इन सेम कलर विद ए मैसेज, एक ट्राइंगल शेप में वॉल गिवन है जिसकी तीनों साइड गिवन है 11 मीटर 6 मीटर और 15 मीटर, और आपसे पूछ रहा है ये फाइंड द एरिया पेंट ऑफ द कलर, इस वॉल के आपको कलर करना है तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो सेम वही ए इक्वल 11, बी इक्वल 6, सी इक्वल 15, एस निकालें ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एस की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 15 अपॉन 2, तीनों को प्लस कर दें 11 से 17 में 32, यानी कि 16, एस की वैल्यू आएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस की वैल्यू कितनी है 16 माइनस ए की वैल्यू 11, 16 माइनस 6 और 16 माइनस 15, 16 में से 11 माइनस करें 5, इधर 10 इधर 1, फैक्टर कर दें 2 × 2 × 2 और 5 के फैक्टर होंगे नहीं 10 के 2 × 5, 2 के 2 पेयर कंप्लीट बन रहे हैं और 5 का एक पेयर कंप्लीट बन रहा है, तो 2 × 2 बाहर आ जाएगा, 1 × 5 बाहर, तो 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ये मीटर स्क्वायर में, तो हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 3।